ही हाय गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी अपने पूरे भारत में जो है 18 प्लस इयर्स के सभी लोगों को वैक्सीनेशन यहाँ पे अलाउड कर दिया गया है और आप वैक्सीनेशन ले सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या आ रही है कि अगर आप अपने एरिया पे यहाँ पे वैक्सीनेशन के लिए अगर आप यहाँ पे अप्लाई करने जाते हो तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको सारे के सारे स्लॉट्स जो होते हैं वो ऑलरेडी बुकड देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको बिल्कुल से भी ऑप्शन नहीं मिलता है कि आप कैसे अपने स्लॉट को बुक करेंगे, क्योंकि विद इन ए सेकेंड आपके लिए एक स्लॉट अवेलेबल होता है और वो तुरंत बुक हो जाता है। तो ऐसे में काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम्स फेस हो रही थी कि covin.gov.in पे जाने के बाद में, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको उनका स्लॉट देखने को नहीं मिलता था। बट गाइस, यहाँ पे आपको एक क्विक सॉल्यूशन बता देता हूँ कि आपको क्या करना है कि आपको अपने पेटीएम एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है और पेटीएम को ओपन कर लेना है। और पेटीएम को ओपन करने के बाद जैसे ही आप स्क्रॉल करोगे तो नीचे में आपको यहाँ पे वैक्सीनेशन फाइंडर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपको इस वैक्सीनेशन फाइंडर पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आपको ईजिली अपना पिन कोड यहाँ पर डाल करके सर्च कर लेना है। आपको जिस एज ग्रुप के लिए भी चाहिए उसको आपको यहाँ पर चेक अवेलेबिलिटी पर क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा कि यहाँ पे आपको कोई वैक्सीनेशन स्लॉट तो देखने को नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे आपको एक नोटिफाई का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, नोटिफाई मी व्हेन स्लॉट्स आर अवेलेबल। तो यहाँ पे आपको इसे इजीली इनेबल कर लेना है। जैसे आप इसे इनेबल करेंगे आपके लिए एक नोटिफिकेशन यहाँ से इनेबल हो जाएगी और जब भी आपके लिए स्लॉट्स अवेलेबल होंगे तो आपको यहाँ पे इजीली आपको एक नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे इस पैनल पे देख सकते हैं। जैसे हम इस पे टैप करेंगे तो हमें यहाँ पे इस तरह का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा कि आपके एरिया में जो है स्लॉट्स अवेलेबल हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो इस तरह से आपको इजीली तुरंत पता चल पाएगा कि आपके एरिया में कब आपका 18 प्लस का जो स्लॉट है वो अवेलेबल हो जाता है और आप इजीली उसे covin.gov.in से जाके बुक कर सकते हैं। तो बुक करने का प्रोसेस तो शायद आपको पता ही होगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, बट आपको बस ये ट्रिक बताने के लिए मैंने ये इस वीडियो को यहाँ पे कम्प्लीटली सॉल्व किया है, तो जिससे आपको हेल्प मिल सके। तो अगर इस वीडियो से आपको हेल्प मिली है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी लोगों को यहाँ पे ये हेल्प मिल पाए। सो मिलते हैं आपसे कुछ नए वीडियोज़ के साथ में। जाते जाते गुड बाय एंड टेक केयर।